हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनोद आप सभी का आपके अपने चैनल पब्लिक कैरियर में स्वागत करता हूं। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूं दिल्ली पुलिस से एक और उपयोगी वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड सारी फुल फॉर्म्स के बारे में, जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म बनती हैं, CPU की फुल फॉर्म क्या है, MS की फुल फॉर्म क्या है। तो इन सभी को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों, आप सभी को बता दूं, दिल्ली पुलिस में दोस्तों 10% आने वाले हैं कंप्यूटर से। ये रीजनिंग का स्थान इन्होंने दोस्तों ग्रहण किया है। पहले कंप्यूटर के स्थान पर दोस्तों रीजनिंग आती थी 35% की, लेकिन अब की बार रीजनिंग 25% पर ही सिमट गई है और 10% ऐड हो गए हैं वो कंप्यूटर के आएंगे दोस्तों अब की बार। तो आपको ये जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो काफ़ी मजबूत करना होगा। और आपको ये जो दोस्तों मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इनको आपको घोल के पी जाना है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि पुड़िया बनाइएगा वो घोल के पी जाइएगा, नहीं। आपको ये वीडियो एक बार देखनी है, एक बार में याद नहीं होता हो दो बार देखनी है, दो बार में याद ना हो तीन बार देखनी है। जितनी बार में दोस्तों आपको याद हो उतनी बार वीडियो देखिए। पर दोस्तों ए भी जितनी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊँगा, A to Z सारी फुल फॉर्म्स हैं इस वीडियो में आज की कवर करेंगे हम। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि दोस्तों आपसे जो फुल फॉर्म परीक्षा में पूछी जाएं वो गलत ना हो। इनसे बाहर आपसे कोई भी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी, 100% गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो जान लेते हैं कौन कौन सी फुल फॉर्म्स आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। मैं आपको बता दूं, 2 से 3% आपको फुल फॉर्म से ही पूछे जाएंगे। तो ये पोर्शन ऐसा है कि जिस पर दोस्तों आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 नंबर आपको शॉर्टकट की से भी ज़रूर मिलेगा। शॉर्टकट की दोस्तों अगली वीडियो लेके आऊँगा, जो उपयोगी शॉर्टकट कीज़ हैं कंप्यूटर की, कि फाइल को सेव कैसे करते हैं, फाइल को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं, इन सभी के लिए दोस्तों उपयोगी वीडियो भी लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तो मैं ऐसा करूंगा कि उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही आप सभी को बता दूं, 20% की उपयोगी वीडियो दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड डेली प्रोवाइड करता हूं दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसे भी आप देखिएगा। इस वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि दोस्तों कोई भी आपका दोस्त भाई बंधु छूटने ना पाए, ठीक है। किसी से भी ये वीडियो ना बचे, सबके पास में ये वीडियो पहुंचे, सबका दोस्तों 2 से 3 नंबर का जो फासला है वो कंप्लीट हो। ऐसा मत कीजिएगा कि भाई अब मैं अपने दोस्त के पास में इसे फॉरवर्ड कर दूंगा तो शायद हो सकता है मेरा दोस्त ही लग जाए, मैं रह जाऊं। ऐसा मत कीजिएगा, किसी के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना सही नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बहुत ही उपयोगी फुल फॉर्म आपकी दोस्तों मैंने इस वीडियो में रख दिए हैं। A से Z तक सारे फुल फॉर्म्स यहाँ पर दोस्तों मैंने रखी हैं, और बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखी हैं जी। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, और आपको अंग्रेजी में पढ़ने के दोस्तों इच्छा है, इच्छुक हो तो आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। तो पहला देख लेते हैं, पहला पूछा जाता है First GL, जिसे हिंदी में बोले तो 1 GL, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो ये होगी फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा हिंदी में तो ये, लेकिन हिंदी में आपको मिलेगा नहीं, अंग्रेजी में ही मिलेगा कि First GL की फुल फॉर्म क्या है। First GL ऐसा पूछ लेगा कि जो First GL है इसका दोस्तों पूर्ण रूप क्या है, संक्षिप्त नहीं पूछेगा, पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसका जो पूर्ण रूप है फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। दूसरा ये पूछ लेगा आपसे कि Second GL की फुल फॉर्म क्या है, तो सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी द्वितीय जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। बस आपको यही मिलेगा कि 2GL का पूर्ण रूप बताओ, तो 2GL का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है, सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको कॉमन सेंस खुद यूज करना है परीक्षा में, ठीक है। चलिए 3GL यानी 3GL की फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है, तो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी तृतीय जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषा या लैंग्वेज, ठीक है। तो आपसे इसी प्रकार से परीक्षा में फुल फॉर्म पूछी जाएंगी। बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों आपसे, आप सभी के लिए।
थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया है 3GL का दोस्तों पूर्ण रूप। चलिए अगला 4GL, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको क्या आंसर करके आना है, तो करके आना है आपको फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। आप सभी को पता होगा कि पीढ़ी क्या होती है। पीढ़ी दोस्तों वो होती है कि आपके पिताजी और आपके पिताजी के भी पिताजी, ठीक है, और उनके पिताजी के भी पिताजी, तो इसी प्रकार से दोस्तों ये पीढ़ी चली चली आ रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से फर्स्ट पीढ़ी में कोई और भाषा होगी, द्वितीय पीढ़ी में कोई और भाषा होगी, इसे भी दोस्तों मैं आप सभी को समझाऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा इसके ऊपर भी। तृतीय पीढ़ी में कोई और भाषा आई होगी और चौथी पीढ़ी में कोई और भाषा आई होगी, इसी प्रकार छठी पीढ़ी में भी कोई और भाषा आई होगी, यानी जो भाषा है उनका क्रम लगातार बदलता गया होगा। तो छह पीढ़ी नहीं है दोस्तों, पांच ही पीढ़ी होती है, मैं आपको बता दूं, छह पीढ़ी नहीं होती है, पांच पीढ़ी ही होती है कंप्यूटर में, यानी 5GL फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये यानी पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्राम माने आप समझते होंगे कार्यक्रम, और लैंग्वेज में होता है दोस्तों अंग्रेजी में भाषा। तो पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा या लैंग्वेज। चलिए अब ए से पढ़ते हैं, ए से जेड तक सारी कवर करूंगा इस वीडियो में, वीडियो को बिना स्किप किए आपको अंत तक देखना है, ठीक है। एक बार देखिए, दो बार देखिए, दो बार ना आए चार बार देखिए, चार बार ना आए हजार बार देखिए, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको कंप्यूटर में तीन नंबर, दो नंबर से तीन नंबर आपको पक्का करना है, यहां से ही इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे, इनसे अलग आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, दावा कर रहा हूं आपसे। बहुत सारी फुल फॉर्म रखी है मैंने, आपको कोई नहीं छोड़ी है इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला यानी पहली जो दोस्तों एसी शुरुआत हुई है, इसमें जो पहली एसी पूछी गई है कि जो एसी होती है, यानी जो एसी है इसका पूर्ण रूप क्या होगा। एसी, एसी का मतलब होता है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट। एक होता है ट्रांसफार्मर में होते हैं दोस्तों एसी और डीसी, ठीक है, एसी फॉर अल्टरनेटिव करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा, परिवर्तित होकर आई धारा प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी, डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, डायरेक्ट करंट यानी दृष्ट धारा। तो इसी प्रकार से डीसी भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि डी के स्थान पर मैंने ये रख दिया आपके लिए। तो एसी की फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो हर किसी में मैं आपको हिंदी नहीं बताऊंगा, जरूरी नहीं है हर किसी में आपको हिंदी बताना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीज याद रखनी है कि एसी फोर क्या होता है, एसी फोर होता है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट। चलिए अगली एसीएल, एसीएल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि एसीएल क्या होता है। दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर, वैसे तो कंप्यूटर हर परीक्षा में दोस्तों एक से दो नंबर का आता ही आता है, चाहे वो परीक्षा छोटे से दोस्तों कांस्टेबल लेवल की हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी परीक्षा हो, कंप्यूटर आता ही आता है एक से दो नंबर का। तो एसीएल की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो याद कर लीजिए एसीएल की फुल फॉर्म क्या है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ऐसा ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ACL का शाब्दिक अर्थ क्या है, पूर्ण रूप क्या है, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ALGOL, ठीक है, ALGOL इसकी फुल फॉर्म क्या है, ALGOL बोल देते हैं इसे, ALGOL के फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों एल्गोरिथम भाषा, ठीक है, एल्गोरिथम लैंग्वेज। तो एल्गोरिथम भाषा इसकी फुल फॉर्म है ALGOL की, तो एल्गोरिथम भाषा या दोस्तों लैंग्वेज, तो आपको पता लग गया होगा। चलिए अगला ALU की फुल फॉर्म क्या है, ALU की फुल फॉर्म है दोस्तों अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी अर्थमेटिक और तार्किक इकाई, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा। अर्थमेटिक मिस आप जानते ही होंगे, ठीक है, तार्किक इकाई, तार्किक मतलब होता है सोचने, तार्किक सोचने की जो यूनिट होती है, इकाई होती है वो, ठीक है। चलिए अगला ANSI की फुल फॉर्म क्या है, तो ANSI की फुल फॉर्म क्या है परीक्षा में पूछा जा सकता है, कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, यानी अमेरिका यानी अमेरिकीय राष्ट्रीय मानक। तो ANSI की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड। अगला
ए आर पी ए की फुल फॉर्म क्या है? तो ए आर पी ए की फुल फॉर्म है दोस्तों, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। एडवांस का मतलब होता है दोस्तों कुछ ज़्यादा फालतू, ठीक है। रिसर्च मीन्स खोज, प्रोजेक्ट आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट मिस क्या होता है, ठीक है, एजेंसी मिस क्या होता है, ये सभी आपको कॉमन सी चीज़ें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे ही हर किसी का बताकर चलूंगा तो वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ए आर पी ए की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ठीक है। चलिए अगला, ए टी एम की फुल फॉर्म क्या है? अब वो वाला ए टी एम मत पढ़िएगा, आपको कंप्यूटर में एटीएम की अलग फुल फॉर्म है। वैसे वाले एटीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये जो कंप्यूटर में रिलेटेड है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एसिक्रॉन्स ट्रांसफर मोड, ठीक है, एसिक्रॉन्स ट्रांसफर मोड होती है एटीएम की फुल फॉर्म। चलिए बात करेंगे बी से, बी की बारी आ गई है। बी फॉर बेसिक, यानी बेसिक जो होता है दोस्तों, बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसकी होती है बिगन्स, ठीक है, बिगन्स, बिगन्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो बिगन्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंट्रक्शन कोड, तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर, गौर से पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा, हर फुल फॉर्म उपयोगी है, आएगी ही आएगी, ठीक है। चलिए अगला, बी सी डी की फुल फॉर्म क्या होती है? बी सी डी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, द्विधारी कोडित दशमलव। तो क्योंकि तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जो बाइनरी अंक का यूज़ किया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा 11 11 कुछ ऐसा करके जो पढ़ा जाता है, बाइनरी के ऊपर देख लेते हैं दोस्तों, अगर लगेगा कि आपके सिलेबस में है तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। तो आपको पढ़ना है फिलहाल बी सी डी की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसीमल। अगला, बिन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। बिन, बिन मिस क्या होता है दोस्तों? बाइनरी, ठीक है, बाइनरी अंक जो है दोस्तों ये कंप्यूटर में अधिक से अधिक ज़्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं। तो बिन फॉर बाइनरी, यानी बिन के फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी। अगला, बी आई एन ए सी, बी आई एन ए सी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बी आई एन ए सी की फुल फॉर्म है दोस्तों बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो बी आई एन ए सी की फुल फॉर्म है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऐसा ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि बी आई एन ए सी की फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है, विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप दोस्तों क्या है? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला, बी आई ओ एस इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बी आई ओ एस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट आपको पता ही होगा, ठीक है, इनपुट मिस क्या होता है, आउटपुट मिस क्या होता है। इनपुट मिस दोस्तों आपको पता होगा डालना होता है, आउटपुट मिस दोस्तों बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी कमांड जो है, इनपुट का मतलब कमांड देना, आउटपुट का मतलब दोस्तों बाहर निकालना, इसी प्रकार से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बी आई ओ एस की फुल फॉर्म। चलिए अगली फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बी एल ओ बी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बी एल ओ बी ब्लॉव की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लॉव, ब्लॉव की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बाइनरी, ठीक है, बड़ी वस्तु, बाइनरी बड़ी वस्तु, यानी बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होती है बी एल ओ बी की फुल फॉर्म। कंप्यूटर उपयोगी वीडियो देख रहे हैं आप दिल्ली पुलिस के लिए, 100% यहां से ही आएगा। बी एम पी, बी एम पी की फुल फॉर्म क्या होती है? बी एम पी की फुल फॉर्म होती है बेसिक मल्टीगुनल प्लान, ठीक है। तो बेसिक मल्टीगुनल प्लान होती है, यानी मूल बहुभाषी विमान, ठीक है। तो प्लान यानी प्लान जो होता है, यानी प्लेन होता है दोस्तों, जहाज जो होता है, विमान जो होता है, जो हवा ऊपर जो उड़ता है, प्लेन होता है, ठीक है। तो प्लान, तो बेसिक मल्टीगुनल प्लान होता है मूल बहुभाषी विमान, यानी बी एम पी की फुल फॉर्म। चलिए अगला, सी से पढ़ेंगे हम, सी ए डी की फुल फॉर्म क्या होती है?
एडेड डिज़ाइन ऐसे ही पूछ लेगा आपसे कि सी ए डी की फुल फॉर्म विस्तृत रूप पूर्ण रूप बताइए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला सी ए टी की फुल फॉर्म पूछ लेगा कैट, मीन्स वो घर वाली बिल्ली नहीं, ठीक है, कंप्यूटर में अलग वाली बिल्ली होती है, तो सी ए टी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेटर, ठीक है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसलेशन है, ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन, ठीक है, तो ये होती है आपकी सी ए टी की फुल फॉर्म, कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन, मीन्स आपको पता होगा परिवर्तन करना या परिवर्तित करना, ठीक है। चलिए अगला सी सी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सी सी की फुल फॉर्म होती है सी कंप्यूटर, ठीक है, सी कंप्यूटर। सी डी एम ए की फुल फॉर्म क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, ये सिम भी होती है, सिम के प्रकार में आती है दोस्तों सी डी एम ए, तो उसकी फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सी डी एम ए जो होता है दोस्तों, सी डी एम ए होता है कोड डिवीजन मल्टीपल, यानी मल्टीपल का मतलब होता है दोस्तों एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जभी तो होता है मल्टीपल, ठीक है, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये होती है सी डी एम ए की फुल फॉर्म, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो सी डी एम ए की फुल फॉर्म क्या हुई, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक वीडियो ही काफ़ी है आप सभी के लिए कंप्यूटर से फुल फॉर्म्स के, और तो बहुत सारी वीडियो बनेंगी अभी तो। सी डी आर यानी सी डी आर की फुल फॉर्म क्या है, सी डी आर की फुल फॉर्म है दोस्तों सी डी, सी डी फोर होता है कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, सी डी की फुल फॉर्म क्या होती है, कम्पैक्ट डिस्क, और आर से होगा दोस्तों रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल मीन्स दोस्तों रिकॉर्ड करने योग्य, तो सी डी आर की फुल फॉर्म क्या होगी, सी डी रिकॉर्डेबल, ये आपको बिल्कुल एज इट इज सी डी ही मिलेगी, वहाँ पे कम्पैक्ट डिस्क लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो सी डी मैंने आपको पूर्ण रूप बताया है उसका कम्पैक्ट डिस्क होता है, लेकिन आपको जो मिलेगा सी डी रिकॉर्डेबल मिलेगा सी डी आर की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है वहाँ पर। तो चलिए सी डी रोम मिस क्या होता है, पहले आपको मैं बता दूं, रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी जो कंप्यूटर की दोस्तों परमानेंट मेमोरी होती है जिसे केवल कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। एक होता है दोस्तों RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे दोस्तों बाहर यूज कर लेते हैं, और जिसे अस्थाई मेमोरी भी बोला जाता है, लेकिन ROM को क्या बोला जाता है, परमानेंट मेमोरी बोला जाता है, ठीक है, और स्थाई रूप से बोला जाता है मेमोरी के रूप में। तो CD मैंने आपको बताया था कंपैक्ट डिस्क, ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, तो सी डी रीड ओनली मेमोरी ऐसा ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलिए CD RW की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होगा, CD राइटेबल, CD कंपैक्ट डिस्क, राइटेबल लिखने योग्य, राइटेबल का मतलब होता है लिखने योग्य, राइट मीन्स क्या होता है लिखना, और राइटेबल लिखने योग्य, यानी CD राइटेबल, CD RW की फुल फॉर्म होगी CD राइटेबल। अगला CLI की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है कमांड लाइन इंटरफेस, तो कमांड लाइन इंटरफेस किसकी होती है, ये होती है CLI की फुल फॉर्म। चलिए अगला दोस्तों CLR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो CLR की फुल फॉर्म क्या होती है, CLR की फुल फॉर्म होती है कॉमन लैंग्वेज रूटीन, यानी रन टाइम, रूटीन नहीं है यहाँ पे, रन टाइम है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होती है CLR की फुल फॉर्म। कॉमन मिस होता है आम, लैंग्वेज मिस भाषा, रन टाइम, रन टाइम मिस होता है दोस्तों दौड़ने का समय या चलने का समय, तो इस प्रकार से, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR की फुल फॉर्म आपने पढ़ ली है। CPU बहुत उपयोगी प्रश्न है दोस्तों ये, और फुल फॉर्म है क्योंकि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, दिमाग भी कहा जाता है, तो CPU की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आपको क्या जवाब देना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेस आप इसी से करते हो जब कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है। चलिए अगला CSE की फुल फॉर्म क्या है, ऐसा ही पूछ लेगा आपसे, CSE की फुल फॉर्म क्या है, CSE की फुल फॉर्म है दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो CSE की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, एक नंबर यहाँ से आप तैयार कर रहे हो SSC की परीक्षा के लिए, और अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप कम से कम 2 से 3 नंबर तैयार कर रहे हो, मैं गारंटी से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। CU आपसे पूछ लेगा, CU की फुल फॉर्म क्या होती है,
सेंट्रल यूनिट यानी केंद्रीय इकाई, ये होता है ना वृत्त, वृत्त का केंद्र यानी ये वाला हो जाता है दोस्तों सेंट्रल यानी उसका केंद्र। तो सीयू सेंट्रल यूनिट यानी केंद्रीय इकाई, ये भी पूछ सकता है आपसे सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, इतना आसान तो नहीं पूछेगा वैसे। डी से पढ़ेंगे अब हम, डी फॉर डॉग यानी डी ए ओ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डी ए ओ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स होती है डी ए ओ की फुल फॉर्म, ये आपसे ऐसा ही पूछ लिया जाएगा। अगला डी ए टी की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ए टी वो घर वाली डेट नहीं है ये, डी ए टी डेट की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ए टी डाट या डेट, डिजिटल ऑडियो टेप, ठीक है, डिजिटल ऑडियो टेप होती है डी ए टी की फुल फॉर्म। आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों अंत तक देखिएगा वीडियो को। डी बी की फुल फॉर्म क्या होगी, डाटाबेस। बहुत मेहनत से बनाई है दोस्तों मैंने ये वीडियो आपके लिए, बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में, मुझे लिखने में, टाइप करने में, और टाइप करने के साथ में आपके लिए हिंदी भी यहाँ पर मैंने रखी है। तो हिंदी और अंग्रेजी का दोस्तों दोनों का कम्युनिकेशन करके यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया है, तो काफ़ी मेरा समय जो है वो खर्च हुआ है। तो प्लीज़ दोस्तों जो समय खर्च हुआ है वो आपके द्वारा ही वसूला जाएगा, क्योंकि आपका नंबर दोस्तों दिल्ली पुलिस में डलवाया जाएगा, ये गारंटी है। यहाँ से 3 नंबर आप तैयार कीजिएगा। डीबी की फुल फॉर्म होती है डाटा बेस, हर फुल फॉर्म आपके लिए उपयोगी होगी। डीबीएमएस आपसे पूछा जाए, डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो DBS यानी DBMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला DDR की फुल फॉर्म क्या होती है, DDR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डबल डाटा रेट यानी डबल डेटा दर, बोल देते हैं ना हमारा तो डबल डेटा दर चल रहा है, यानी दुगनी जो दर है रेट है वो चल रही है, तो वो होता है दोस्तों DDR यानी डबल डेटा रेट। चलिए DHTML के फुल फॉर्म क्या होती है, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपसे पूछा जाता है। जैसे कि HTT कुछ ऐसे जो होता है हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, वो भी आपकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, और रखी भी मैंने आपके लिए HTTP का जो होता है हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। तो कुछ इसी प्रकार से DHTML की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला DIVX की फुल फॉर्म क्या होती है, DIVX यानी डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस, डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस होती है दोस्तों DIVX की फुल फॉर्म। जवान भी लड़खड़ाने लगती है जब लगातार कंटिन्यूस इतना बोला जाता है दोस्तों। चलिए DL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो DL की फुल फॉर्म होती है डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड को शॉर्ट में ही DL बोल देते हैं। DLL यानी DLL इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पूछी जाए तो आपसे, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होती है DLL की फुल फॉर्म। चलिए अगला DNS की फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS कंप्यूटर में होती है दोस्तों ये फुल फॉर्म, DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, किसके नाम से खरीद रहे हैं किसके नाम से नहीं खरीद रहे हैं। DOS की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, DOS यानी डॉस की जो फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है दोस्तों। DSN इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, DSN की डाटाबेस सोर्स नेम, ठीक है, डेटाबेस यानी स्रोत का नाम यानी होती है फुल फॉर्म DSN की डाटाबेस सोर्स नेम। मैं क्यों रिपीट करता हूँ बार बार, एक ही बार मैं रिपीट कर सकता हूँ ना, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट बैठे, एक बार समझ में ना आए, दो बार समझ में ना आए, 3 बार बोलता हूँ। DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, वैसे तो ऐसी ही फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो इसकी होती है डिजिटल वीडियो डिस्क DVD की फुल फॉर्म। CD की पूछ सकता है आपसे, CD की होती है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क, ये मैंने लिखी नहीं थी लेकिन मैंने आपको बोल के बताई थी। DVDR ये आपसे पूछा जा सकता है, DVDR की फुल फॉर्म क्या होती है, DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क,
लेकिन डीवीडी आर की फुल फॉर्म डीवीडी रिकॉर्डेबल, यानी डीवीडी रिकॉर्ड करने योग्य। चलिए अगला, डीवीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? डीवीडी रोम, डीवीडी रोम का मतलब होता है, डीवीडी का आपको बता दिया है, डिजिटल वीडियो डिस्क, और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, यानी डीवीडी रीड ओनली मेमोरी। ये आपसे बहुत उपयोगी फुल फॉर्म है दोस्तों, जो पूछी जानी है। डीवीडी आर डब्ल्यू, ठीक है, तो डीवीडी आर डब्ल्यू आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि सी डी आर डब्ल्यू पूछा गया था ऊपर, मैंने आपको बताया भी था, सी डी यानी कम्पैक्ट डिस्क, और आर डब्ल्यू से रिकॉर्डेबल, ठीक है, रिकॉर्डेबल या री राइटेबल। तो डीवीडी आर डब्ल्यू की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है? डीवीडी राइटेबल। तो डीवीडी राइटेबल, अगर यहाँ मैं कर दूँ सी डी, सी डी आर डब्ल्यू, तो सी डी आर डब्ल्यू यानी सी डी राइटेबल, ठीक है, सी डी रिकॉर्डेबल नहीं राइटेबल, जो गलत बोल दिया था मैंने, वो आपको दोस्तों करेक्शन कर दिया है मैंने, तो सी डी राइटेबल बोलेंगे, सी डी आर डब्ल्यू अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो। चलिए डीवीडी आर डी तो इसकी होती है दोस्तों रिवर्टेबल, ठीक है, तो आर डी की होती है रिवर्टेबल, यानी रिवर्स में, तो रिवर्टेबल, ये फुल फॉर्म मैंने लिखी नहीं थी आपके लिए, तो ये होती है डीवीडी रिवर्टेबल। तो चलिए दोस्तों अगला नंबर है ई का, और ई से जो फुल फॉर्म पूछी जाती है वो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक से दोस्तों आधारित रहती हैं। तो चलिए ई से पहली फुल फॉर्म है ई डी एस ए सी, यानी ई डी एस ए सी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। तो ई डी एस ए सी की फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, तो इस टाइप से ही आपसे पूछा जाएगा कि ई डी एस ए सी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक देरी भंडारण स्वचालित कैलकुलेटर। अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि ई डी वी ए एस, ई डी वी ए एस, वी ए सी है दोस्तों यहाँ पर दरअसल में, ई डी वी ए सी ए एस नहीं है, तो ई डी वी ए सी इसके फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेस्ट्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ई डी वी ए सी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसी टाइप से आपसे पूछी जाएगी कि ई डी वी ए सी की फुल फॉर्म क्या है। अगला, ई डी ई एस डी, ई एस डी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ई एस डी की दोस्तों फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो स्टैटिक डिस्चार्ज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो स्टैटिक डिस्चार्ज, ई एस डी की फुल फॉर्म है। अगला आपसे पूछा जाएगा ई एक्स ई की फुल फॉर्म क्या है? तो ई एक्स ई की फुल फॉर्म है दोस्तों एक्स टेक्स्ट, यानी एक्स टेक्टेबल, एक्स टेक्टेबल, कुछ इस प्रकार से ही इसकी जो फुल फॉर्म है ई एक्स ई की फुल फॉर्म है। अगला, ई एक्स टी की फुल फॉर्म क्या है? तो ई एक्स टी की फुल फॉर्म है दोस्तों एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, यानी एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम होती है ई एक्स टी की फुल फॉर्म। अगला, एफ से पढ़ेंगे अब हम, एफ ए क्यू की फुल फॉर्म क्या है? तो एफ ए क्यू की फुल फॉर्म है दोस्तों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होती है एफ ए क्यू की फुल फॉर्म। ये एज इट इज़ आपसे ऐसे ही पूछे जाने हैं, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन।
अगला FDD की फुल फॉर्म क्या है? FDD की फुल फॉर्म है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। थोड़ा जल्दी इस वजह से करनी पड़ रही है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। तो FDD की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगला FLOPS यानी फ्लॉप्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग फ्लोटिंग फॉन्ट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट संचालक प्रति सेकंड। तो FLOPS की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अगला FEP की फुल फॉर्म क्या है? FEP की फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। ये आपसे ऐसे ही पूछा जाना है कि FEP की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। बात करेंगे दोस्तों जी की, जी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जीबी होता है ना, आपको जो नेट मिलता है जीबी में मिलता है ना, 1.5 GB पर डे, 2.5 GB पर डे। तो जीबी की फुल फॉर्म आखिर क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। MB की मेगाबाइट, ठीक है, PB की पैराबाइट, TB की टेराबाइट। तो इसी प्रकार से सारी जो है ये फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, बिन फॉर बाइनरी कुछ इस प्रकार से, जीबी गीगाबाइट। चलिए अगला GIF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? GIF की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वो है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फुल फॉर्म है GIF की। GPL की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वो है जर्नल पब्लिक लाइसेंस। जर्नल पब्लिक लाइसेंस यानी सामान्य लाइसेंस जिसे बोल देते हैं। GPL की फुल फॉर्म क्या है? जर्नल पब्लिक लाइसेंस। अगला GPRS की फुल फॉर्म क्या है? GPRS को आप सभी लोग जानते होंगे। तो GPRS की फुल फॉर्म है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। तो GPRS की फुल फॉर्म क्या है? जर्नल पैकेट रेडियो सर्वे सर्विस या सेवा। H से बात करेंगे अब, H से पढ़ेंगे अब। HCL की फुल फॉर्म क्या है? तो HCL की फुल फॉर्म है दोस्तों ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन, ठीक है। तो HCL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आपको बता देना है ह्यूमन कंप्यूटर इंटर यानी इंट्रैक्शन। अगला HCL की फुल फॉर्म क्या है? तो HCL की फुल फॉर्म है दोस्तों हार्डवेयर कंपेबिलिटी लिस्ट, ठीक है, हार्डवेयर कंपेबिलिटी सूची कुछ इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म है HCL की, हार्डवेयर कंपेबिलिटी लिस्ट। HD की फुल फॉर्म क्या है? तो HD की फुल फॉर्म है दोस्तों हाई डेंसिटी, ठीक है, यानी उच्च घनत्व। HD की फुल फॉर्म क्या है? हाई डेंसिटी यानी उच्च घनत्व। अगला HD DVD, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हाई डेफिनेशन DVD। DVD की फुल फॉर्म मैंने आपको कल बताई थी दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क। CD की फुल फॉर्म बताई थी कंपैक्ट डिस्क। CPU की बताई थी दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो HDVD की यानी HD DVD की फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन DVD। HDD की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हार्ड डिस्क ड्राइव। ये पूछा जा सकता है कि HDD की फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला HHD की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वो है हाइब्रिड हार्ड ड्राइव। तो हाइब्रिड हार्ड ड्राइव किसकी फुल फॉर्म है? HDD की फुल फॉर्म है। HP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वो है हेवलेट पैकार्ड, ठीक है, यानी पैकार्ड जो फुल फॉर्म है वो है HP की। वो नहीं है हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है वैसे इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर में है हेवलेट पैकार्ड, इसकी फुल फॉर्म है HPP की, सॉरी HP की। चलिए HT की फुल फॉर्म क्या है? HT की हाइपर थ्रेडिंग, ठीक है। तो HT की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए कि HT की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर थ्रेडिंग। HTM की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों हेरिएकल टेम्पोरल, ठीक है, तो हेरिएकल टेम्पोरल इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है HTM की। अगला HTML की फुल फॉर्म क्या है? HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP
जो आपको कंप्यूटर में मिलेगा WWW से पहले। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला, HZ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HZ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों हर्ट्ज, जो कि आवृत्ति का मात्रक भी होता है आवृत्ति का। आई से पढ़ेंगे अब हम, अगर आपको ये मिल जाए आई या ओ करके, तो आई फोर होता है दोस्तों इनपुट, ओ फोर होता है आईपुट, सॉरी आउटपुट, ठीक है। तो आई ओ कुछ इस प्रकार से ऑब्लिक में करके मिले तो इनपुट और आउटपुट आपको लगा देना है वहाँ पे। IBM के फुल फॉर्म क्या है? तो IBM के फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। तो IBM के फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। अगला, IC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है पक्का। तो IC की फुल फॉर्म जो है वो भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों IC जो होती है इस पर जो ऊपर परत होती है वो किसकी बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है सिलिकॉन की, ऐसा पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि IC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अगला, ICMP इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ICMP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये आपसे पूछी जा सकती हैं, बहुत उपयोगी आपके लिए, दिल्ली पुलिस या अन्य कोई भी दोस्तों विभाग हो, हर जगह दोस्तों एक फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। ICT इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो ICT की फुल फॉर्म क्या है? इंटरफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। अगला, IE की फुल फॉर्म क्या है? तो IE की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। IIS की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। तो IIS की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी इंटरनेट सूचना सेवाएं। अगला, IM की फुल फॉर्म क्या है? तो IM की फुल फॉर्म है इंस्टेंट मैसेजिंग। IM की फुल फॉर्म, IMAP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। IMAP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म क्या है? IP की दो फुल फॉर्म बनेगी, एक बनेगी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरी बनेगी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो आपसे दोनों ही पूछी जा सकती हैं, ऑप्शन में आपको दोनों नहीं देगा, एक देगा। तो आपको लगा देना है IP की अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेशनल प्रॉपर्टी। IRDA अगर पूछी जाए कि IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी होती है इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन, ठीक है, इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन। ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला, ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वीडियो को जितनी बार चाहो उतनी बार देखिए। IT की फुल फॉर्म क्या होती है? IT की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, IT की फुल फॉर्म होती है। जैसे पढ़ेंगे अब हम J2EE, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो जावा टू इंटरप्राइज एडिशन, यानी जावा टू इंटरप्राइज संस्करण। J2ME की फुल फॉर्म क्या होती है? जावा टू माइक्रो एडिशन। J2SE की फुल फॉर्म क्या होती है? जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। JDK की फुल फॉर्म क्या होती है? जावा डेवलपमेंट किट। तो JDK की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? जावा डेवलपमेंट किट। अगला, JDS की फुल फॉर्म क्या होती है?
जावा डेस्कटॉप सिस्टम, ठीक है? तो जावा डेस्कटॉप सिस्टम होती है JDS की फुल फॉर्म। अगला, JFC की फुल फॉर्म क्या होती है? JFC की फुल फॉर्म होती है जावा फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है? JFC की फुल फॉर्म जावा फाउंडेशन क्लासेस। अगला, JPEG क्या होती है दोस्तों? जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, यानी संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह। तो JPEG इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। JRE की फुल फॉर्म क्या होती है? JRE की फुल फॉर्म होती है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण, ठीक है? तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये होती है JRE की फुल फॉर्म। JS की फुल फॉर्म क्या होती है? JS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? जावा स्क्रिप्ट होती है JS की फुल फॉर्म। के से पढ़ेंगे अब हम, के से यानी KB, यही पूछा जाएगा कि KB की फुल फॉर्म क्या होती है। तो KB की फुल फॉर्म होती है दोस्तों किलो बाइट। KHZ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो किलो हर्ट्ज, ठीक है? KHZ दिया हुआ होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा KHZ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो किलो हर्ट्ज। अगला, KVM की फुल फॉर्म क्या होती है? KVM की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कीबोर्ड वीडियो माउस, ठीक है? KVM की फुल फॉर्म होगी कीबोर्ड वीडियो माउस। L से पढ़ेंगे अब की बार हम, जानेंगे LAN 100% उपयोगी, मान लीजिए इसे 100%। LAN की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? तो LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यह भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED की फुल फॉर्म क्या होती है? तो LED की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है? LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। अगला, MB की, यानी M से पढ़ेंगे अब की बार, MB की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MB की फुल फॉर्म दोस्तों दोस्तों मेगाबाइट, ठीक है? या मेगाबिट, या आपसे दोनों ही पूछ लेगा कि MB की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मेगाबिट होती है, मेगाबाइट होती है। चलिए ये नीचे देख लीजिएगा, मेगाबाइट, जब आपको छोटी बी दे तो आपको बिट लगाना है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। MB, M बड़ा बी छोटा, तो आपको लगाना है मेगा बाइट, ठीक है? यानी मेगा बिट, सॉरी मेगा बिट, और MB दोनों बड़ी देगा तो आपको लगाना है दोस्तों मेगा बाइट। अगला, MBR, तो MBR की फुल फॉर्म है दोस्तों मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है? तो मास्टर बूट रिकॉर्ड है MBR की फुल फॉर्म। MHZ, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है मेगा हर्ट्ज, ठीक है? यानी मेगाहर्ट्ज जिसे बोलते हैं, मेगाहर्ट्ज। MNG की फुल फॉर्म क्या है? तो MNG की फुल फॉर्म है दोस्तों मल्टीपल इमेज नेटवर्क ग्राफिंग, ठीक है? मल्टीपल इमेज नेटवर्क ग्राफिंग, ये MNG की फुल फॉर्म है, MNG, ठीक है? M फॉर मल्टीपल इमेज, N फॉर नेटवर्क, और G फॉर ग्राफिक्स, ठीक है? चलिए, MS की फुल फॉर्म क्या है? MS की फुल फॉर्म वैसे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट होती है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन यहाँ पर अगर माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या है? मेमोरी स्टैटिक्स, यानी स्टिक, मेमोरी स्टिक, MS माइक्रोसॉफ्ट। MSDOS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट DOS की होती है दोस्तों, आपको पता भी होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। N से पढ़ेंगे अब की बार, NAN, ये जानेंगे नॉट ए नंबर, ठीक है? नॉट ए नंबर होती है NAN की फुल फॉर्म। NAS की फुल फॉर्म क्या होती है? NAS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ठीक है? नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। अगला, बहुत उपयोगी रखी है, नेक्स्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेक्स्ट, नेक्स्ट में वैसे तो अगला होता है, नियर एंड क्रॉस टॉक, ठीक है? तो नियर एंड क्रॉस टॉक होती है NEXT की फुल फॉर्म। NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? NIC की फुल फॉर्म होती दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है?
NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। अगला NTFS, यानी NTFS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो NT फाइल सिस्टम, ठीक है, NT फाइल सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, NTFS की फुल फॉर्म। अगला ओ से पढ़ेंगे अब की बार, OLED, OLED की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ये होती है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होती है आपकी OLED की फुल फॉर्म। OMF, अगर आपसे पूछा जाए कि OMF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर्मेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल फॉर्मेट होती है OMF की फुल फॉर्म। OS की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, OS की फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स, और अगर आपको ओपन सोर्स ऑप्शन में नहीं मिलता है तो मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मिल जाएगा आपको, ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको, एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, लगाना है OS की फुल फॉर्म में ओपन सोर्स, अगर ओपन सोर्स ऑप्शन में नहीं मिलता है तो लगा देना है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला पी से पढ़ेंगे अब की बार, पी 16वां नंबर है पी, तो P2P इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पीयर टू पीयर, ठीक है, पीयर टू पीयर। PAC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर। PAN की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो कंप्यूटर में होती है PAN की फुल फॉर्म दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेकिन PAN पैन कार्ड भी बोल देते हैं ना आप, जिसे बोलते हैं P4 परमानेंट, A4 अकाउंट, N4 नंबर, ठीक है, तो PAN की फुल फॉर्म वैसे भी बोल देते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पैन कार्ड जो होता है, लेकिन कंप्यूटर में इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है निजी। PAP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो PAP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पासवर्ड ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, PAP की फुल फॉर्म होती है पासवर्ड ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल। PATA की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है, तो वो होती है पैरेलल ATA, ऐसा ही आपको मिलेगा, ठीक है, तो PATA की फुल फॉर्म वैसे आपको ये नहीं मिलने वाली है, पैरेलल ATA। PC ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये पूछा भी गया है दिल्ली पुलिस में, अभी एग्जाम कराया था वैसा ही एग्जाम जो कोचिंग सेंटर पर कराया जाता है, उसमें ये आया था कि PC की फुल फॉर्म क्या होती है, और एक ऐसा कंप्यूटर जिसे अपने निजी प्रयोग में हम लाते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। तो दो प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम अपने पर्सनल प्रयोग में लाते हैं, तो वो है PC यानी पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, तो PC की फुल फॉर्म क्या हो गई, पर्सनल कंप्यूटर। PGA की फुल फॉर्म क्या है, पिन ग्रिड एरे, ठीक है, तो पिन ग्रिड एरे होती है PGA की फुल फॉर्म। अगला PHP, अगर आपसे पूछे जाए PHP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट प्रोफेसर होती है, यानी प्रोफेसर यानी प्रोसेसर, सॉरी ये प्रोफेसर यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये प्रोफ यानी ये होता है प्री प्रोसेसर, ठीक है, प्री प्रोसेसर लिखा हुआ है, मैं कंफ्यूजन में थोड़ा थोड़ा सा, तो PHP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोफेसर, ठीक है। PNG की फुल फॉर्म क्या होती है, PNG की फुल फॉर्म दोस्तों होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे PNG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। मैं आपको दोस्तों सभी को बता दूं कि कंप्यूटर से कोई अन्य आपको नहीं मिलेगा, इन जो भी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर सारी फुल फॉर्म्स कराई है 100% इनमें से ही आपको मिल जाएगा, कोई में नहीं छोड़ी है मैंने दोस्तों। POST की फुल फॉर्म क्या होती है, तो POST की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होती है POST की फुल फॉर्म।
वो वाला पोस्ट ऑफिस उस पर मत ले जाइएगा जो आपके गांव के बराबर में मिलता है। PSU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PSU की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पावर सप्लाई यूनिट, यानी बिजली आपूर्ति इकाई। PSU की होती है फुल फॉर्म। अब पढ़ेंगे क्यू से। QA की फुल फॉर्म क्या होती है? QA तो वो होती है दोस्तों क्वालिटी एसेस रूस, ठीक है, तो क्वालिटी एनसेस रूम, तो क्वालिटी एंस ये होती है क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इंश्योरेंस। तो QA की फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, एश्योरेंस। तो आप उस बात को मत पकड़ के बैठ जाइएगा कि जो वर्ड है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या गलत बोल दिया गया है, तो आप उसी बात को मत पकड़ के बैठ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आप मेरी तरह जल्दी जल्दी बोलोगे तो जल्दी में दोस्तों गलती तो होती ही है। थोड़ी बहुत आप एडजस्ट करिएगा, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है बोलने में तो आप जिद पकड़ के मत बैठ जाइए कि भाई आपने ये गलत बोल दिया है, आप भी उसे खुद से सही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो QFP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्वाड फ्लैट पैकेज, ठीक है, तो क्वाड फ्लैट पैकेज होती है QFP की फुल फॉर्म। अगला आर से पढ़ेंगे हम। RAM की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार बताया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM पूछा जाता है, ROM की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। RF की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वो होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी। RGB की फुल फॉर्म क्या होती है? ये पूछ लिया जाएगा, RGB की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, तो RGB की फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू। RGBA की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ग्रीन ब्लू एल्फा, ठीक है, A4 एल्फा होता है यहाँ पे। RIP की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है दोस्तों रेस्टर इमेज प्रोसेसर, ठीक है, RIP की फुल फॉर्म होती है रेस्टर इमेज प्रोसेसर। RIP की दूसरी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होती है RIP की फुल फॉर्म। अगला ROM की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। RAM की फुल फॉर्म क्यों रिपीट कर रहा हूँ बार बार, यही पूछी जाती है ज़्यादातर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RODOS तो रीड ओनली मेमोरी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS होता है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए S से पढ़ेंगे अब की बार हम। SATA यही पूछ लिया जाएगा, SATA इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है दोस्तों सीरियल ATA, SCSI, SCSI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है, तो SCSI की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SD की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ये होती है सिक्योर डिजिटल, ठीक है, तो SD की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर डिजिटल। SDK की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है, तो SDK की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। SDN की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्विस डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, तो SDN की फुल फॉर्म होती है सर्विस डिलीवरी नेटवर्क। अगला SDR की फुल फॉर्म क्या होती है? SDR की फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो का दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सारी वीडियो मत पढ़िए, सिर्फ एक वीडियो पढ़िए, यहाँ से आपको दिल्ली पुलिस में 203 नंबर मिलेगा, और दिल्ली पुलिस से जो अन्य एग्ज़ाम हैं, अलग जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं SSC CGL वगैरह, इन सभी में दोस्तों यहाँ से 102 नंबर ज़रूर मिलेगा फुल फॉर्म का। SIMD, SIMD इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल इंट्रैक्शन मल्टीपल डाटा, ठीक है, यानी एकल निर्देश एकाधिक डेटा। अगला SIMM इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉडल, ठीक है,
तो SIM अगर आपसे पूछा जाए SIM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों सिंगल इनलाइन मेमोरी। और SIM और एक और M आ जाए, डबल M आ जाए, तो उसकी हो जाएगा मॉडल लास्ट में बट्स जुड़ जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि SIM इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिंगल इनलाइन मेमोरी। लेकिन SIMM मिले तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉडल SP। SP अगर आपसे पूछा जाए SP की फुल फॉर्म क्या होती है, दोस्तों ये होती है सर्विस पैक। SPI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। ठीक है, तो सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है SPI की। SVG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो SVG की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एस्केबल, यानी एस्केबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, तो इसके एस्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अब थोड़ा दोस्तों जो हलक है ना, जवान जो है वो थोड़ी सूखने लगी है, तो इस वजह से बोला भी थोड़ा ठीक से नहीं जा रहा है। तो कंप्लीट करूँगा वैसे मैं इस वीडियो को, तो थोड़ा बहुत दोस्तों अगर इधर उधर हो जाता है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, लगभग 50-52 मिनट हो गई हैं बोलते बोलते। थोड़ा जवान भी दोस्तों आराम चाह रही है, लेकिन थोड़ा काम और रह गया है इसमें, तो मैं कंप्लीट किए देता हूँ इसे। SVGA इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, तो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे होती है SVGA की फुल फॉर्म। आपसे TB, अब पढ़ेंगे हम टी से, तो TB की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये होती है टेराबाइट। अगला TDMA की फुल फॉर्म क्या होती है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो TDMA की फुल फॉर्म होती है दोस्तों टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला TMP ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आपको ये स्मॉल में मिलेगा, स्मॉल लेटर में, तो TMP इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों टेम्पररी, यानी अस्थाई। परमानेंट का मतलब होता है दोस्तों स्थाई। TRON इसकी फुल फॉर्म क्या है, TRON, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये होता है दोस्तों न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूकल्स या न्यूक्लियस, द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम न्यूकल्स होती है दोस्तों, या न्यूक्लियस होती है किसकी फुल फॉर्म, TRON की फुल फॉर्म। अगला TTF की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है, तो ये होती है ट्रू टाइप फॉन्ट। ठीक है, ट्रू टाइप फॉन्ट होती है TTF की फुल फॉर्म। अगला TTL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, तो TTL की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। यू से पढ़ेंगे अब की बार, UAC की फुल फॉर्म क्या होती है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल। तो UAC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूज़र अकाउंट कंट्रोल। UPS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो UPS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों अन इंटर रूप टेबल। ठीक है, तो अन इंटररुप्टेबल पावर सप्लाई, ये होती है दोस्तों आपकी UPS की फुल फॉर्म अन इंटररुप्टेबल पावर सप्लाई। तो इसे थोड़ा तोड़ के याद कर लीजिएगा, जब आपको अंग्रेजी सही से पढ़नी नहीं आती हो तो मेरी तरह पढ़ लीजिएगा जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यानी निर्बाध विद्युत आपूर्ति। URI की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस आइडेंटिफायर। ठीक है, तो URI के फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्सेस आइडेंटिफायर। URL की फुल फॉर्म क्या है, URL की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेशन या लोकेटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर फुल फॉर्म है दोस्तों URL की। USB की फुल फॉर्म क्या है, बहुत उपयोगी है USB आपके लिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल बस। UTF की फुल फॉर्म क्या है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है, तो UTF की फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। चलिए अगला UTP की फुल फॉर्म क्या है, अनिसेल्ड। ठीक है, अनिसेल्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो UTP की फुल फॉर्म है अनसेल्डेड, कुछ ऐसे बोल देते हैं दोस्तों, अनसेल्डेड ट्विस्ट पेयर।
UUID की फुल फॉर्म क्या है? UUID, यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है UUID की यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। अगला, UUN की फुल फॉर्म क्या है? UUN की, तो यूनिवर्सल यूजर नेम इसकी फुल फॉर्म है UUN की। अब वी से पढ़ेंगे हम दोस्तों, VB, यानी VB का दोस्तों पूर्ण रूप क्या होता है? VB का, तो VB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों विजुअल बेसिक्स, यानी ठीक है विजुअल बेसिक। VBA की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ये होती है विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस, ठीक है, अनुप्रयोगों के लिए विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ये होती है VBA की फुल फॉर्म। अगला, VBS की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, VBS की फुल फॉर्म होती है। VGA की फुल फॉर्म क्या होती है? VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, VGA की फुल फॉर्म होती है आपकी वीडियो ग्राफिक्स एरे। VT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो VT की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वीडियो टर्मिनल। अगला, W से पढ़ेंगे, W3C, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसकी फुल फॉर्म होती है W3C की। WAN की फुल फॉर्म क्या होती है? उपयोगी आपके लिए, वाइड एरिया नेटवर्क। WAP की फुल फॉर्म क्या होती है? WAP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वायरलेस एक्सेस पॉइंट या वायरलेस एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल, दो फुल फॉर्म होंगी WAP की, वायरलेस एक्सेस पॉइंट या वायरलेस एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल। WLAN की फुल फॉर्म क्या होती है? WLAN की वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। LAN की भी पूछा जा सकता है आपसे, ओनली LAN, LAN, तो ये होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। आप बोलोगे कि भाई ने बताया नहीं था, ये तो परीक्षा में आ गया तो दिक्कत बन जाएगी, तो LAN अगर आता है तो बता देना है आपको लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। WMA इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों विंडोज मीडिया ऑडियो, ठीक है, विंडोज मीडिया ऑडियो। WMV इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? WMV की विंडोज मीडिया वीडियो, ठीक है, तो विंडोज मीडिया वीडियो। WMA की फुल फॉर्म है दोस्तों विंडोज मीडिया ऑडियो, लेकिन WMV की फुल फॉर्म क्या है? विंडोज मीडिया वीडियो। WPAN की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, PAN का मैंने आपको बताया था पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो WPAN की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला, WWN की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है दोस्तों वर्ल्ड वाइड नेम, ठीक है, WWW की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो वो होती है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन WWN की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो वो है वर्ल्ड वाइड नेम। अगला, एक्स से पढ़ेंगे हम दोस्तों, अब बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। अब XAML इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों एक्सटेंसिबल, ठीक है, तो एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज होती है XAML की फुल फॉर्म। अगला, XML की फुल फॉर्म क्या होती है? तो XML की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एक्सटेंसिबल या एक्सटेंसिबल मार्को भाषा, ठीक है, मार्को लैंग्वेज। एक्सएम्बल होता है दोस्तों वैसे ये एक्सटेंसिबल, तो एक्सटेंसिबल या एक्सएम्बल कुछ भी बोल दीजिएगा, मार्को लैंग्वेज। इतनी अच्छी है दोस्तों मेरी अंग्रेजी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कम से कम गलती की जाए, ठीक है, और इतनी देर हो गई है बोलते बोलते, थोड़ा जबान भी लड़खड़ाने लगी है, अब बोलता हूँ कुछ और मुँह से कुछ निकलता है। तो अब वीडियो बिल्कुल अंतिम चरण में है दोस्तों आपकी XP, दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करने के लिए, तो आप भी दोस्तों मेहनत कीजिएगा कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर की जाए और
अधिक से अधिक इसका उपयोग करके आपको फ़ायदा लेना है। एक्सपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों एक्स स्ट्रीम, ठीक है। तो एक्सपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मतलब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अगला एक्सपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एक्सपीआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इंस्टॉल। वाई से पढ़ेंगे अब की बार, वाई टू के इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ईयर 2000, ईयर 2000 होती है आपकी वाई टू के की फुल फॉर्म। जेड से पढ़ेंगे और यही लास्ट वर्ड होगा आपका, जेड सी एस इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जेड सी एस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों जीरो कोड सुपरसीजन, ठीक है। तो जेड सी एस की फुल फॉर्म होती है आपकी जीरो कोड सुपरसीजन। चलिए जेड आई एफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछ लेगा आपसे, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जीरो इंसर्टन फोर्स, ठीक है। तो जीरो इंसर्टन फोर्स होती है आपकी जेड आई एफ की फुल फॉर्म। जेड आई एफ एस इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जेड आई एफ एस इसकी फुल फॉर्म होती है जीरो इंसर्टेंट फोर्स सॉकेट, ठीक है। तो आपको ये सभी फॉर्म याद कर लेनी हैं ढंग से, एक दो बार रिवीजन कर लेना है। तो ये इस वीडियो का दोस्तों लास्ट वर्ड था जेड आई एफ सी। वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी वीडियो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएंगी, तो एक बार विजिट कीजिएगा हमारे चैनल की दोस्तों प्लेलिस्ट में, वहां से दिल्ली पुलिस उपयोगी कोर्स चल रहा है अभी कंप्यूटर का। तो ये थी दोस्तों इस वीडियो से सभी उपयोगी और महत्वपूर्ण फॉर्म्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए, और बेसिकली दोस्तों स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी दोस्तों टच में है और आने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आप सभी का दिन शुभ हो।